नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं भाई नारनौल मंडी में और भाई लेट हो रखे हैं, उसके बावजूद भाई भीड़ दिख रही है काफ़ी सारी आज तो कैसी क्या मंडी चल रही है इसकी जानकारी लेते हैं। मंडी तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है लेकिन हम थोड़ा सा लेट ही आते हैं कि थोड़ा वीडियो सही से बन जाए, इसीलिए थोड़ा लेट होते हैं। ये जानकारी लेते हैं भाई, ताज़ा ताज़ा धनिया है और ये है पालक, क्या कुछ रेट चल रहा है जानकारी लेते हैं भाई अंकल जी। 70 है 80। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ रेट चल रहा है? रोज ले रहे हो, कुछ फर्क भी पड़ रहा है? हाँ, आप रोज रेट ले रहे हो मंडी का? हाँ, कोई फर्क पड़ रहा है इससे? देख रहे होंगे ग्राहक, नहीं तो कोई खरीदारों का फर्क पड़ रहा है। किसान बिल्कुल मरता जा रहा है। अच्छा। हाँ, किसान के लिए कोई नहीं तो व्यवस्था है यहाँ पर, नहीं तो पानी है, नहीं कोई यहाँ पर छाया का व्यवस्था है। किसान सब जो है धूप में रहते हैं, यहाँ पर टीन भी लगवाइए तो छोटी छोटी लगवाइए। और बताओ, धनिया 70 रुपए चल रहा है जी? धनिया 70 रुपए। हाँ जी। घिया चल रही है 8 रुपए किलो। मिर्ची चल रही है 18 रुपए किलो। अच्छा। देसी खीरा 10 रुपए किलो। 10 रुपए। पालक क्या रेट है? पालक 10 रुपए किलो। अच्छा। ग्वारफली? ग्वारफली 15। और जी भिंडी क्या रेट है? भिंडी 18। छोटे बैंगन? ये बैंगन 15, चूचू। अच्छा। बैंगन बोलते हैं इसको। हाँ जी। तो टमाटर क्या रेट आ गए? मेन तो यही बताओ। टमाटर 400 रुपए का रेट है जी। 400 रुपए का कह रहे हैं? 13.5 किलो। ठीक है, काफी बढ़िया क्वालिटी। टमाटर तो बढ़िया आ रहा है, 33 रुपए किलो है घर में। बहुत दूर से आ रहा है टमाटर ये। हाँ, इसमें 250 रुपए किराया है। हाँ हाँ, 25-30 रुपए खर्चा हो रहा जाता है। अच्छा। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। हाँ हाँ, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। ये लंबे वाले बैंगन क्या रेट है अंकल जी? है जी, लंबे वाले बैंगन 2-3 रुपए किलो। ये इसका तो कोई रेट ही नहीं है, 3 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। और ये हरे वाला पेठा? ये 6 रुपए किलो। पक्का वाला 5। ये 5 रुपए 5 रुपए है। प्याज क्या रेट है? प्याज चल रही है 12 रुपए किलो। 12 रुपए? इतनी सस्ती कैसे आ गई? ये वो है प्याज, दूसरी वाली है। अच्छा, इसको रांगड़ा बोलते हैं, रांगड़ा। इसके छिलका नहीं है ऊपर। मूली, मूली क्या रेट में की? मूली मेरे पास नहीं है। मूली अपने पास नहीं है। दूसरे का रेट में क्या बता सकते? ठीक है, धन्यवाद।